दोस्तों, आपने अक्सर ऋषि मुनि, साधु संत, सन्यासी, योगी इन सब के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन सब लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है? ऋषि किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं, सन्यासी किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं, क्या आपको इनके बारे में पता है? तो चलिए आज हम यही जानेंगे कि ऋषि मुनि, संत, सन्यासी, योगी किसे कहते हैं। देखिए, ऋषि कौन होते थे? ऋषि आप ऐसा समझ सकते हैं कि वैदिक काल के साइंटिस्ट थे, यानी पुराने समय के साइंटिस्ट को ही ऋषि कहा जाता था। यह सभी शास्त्रों के ज्ञाता रहते थे, इनको हर ज्ञान के बारे में अच्छे से पता होता था, चाहे वह वेद हो, चाहे वह पुराण हो, चाहे वह औषधि ज्ञान हो, इन ऋषियों को हर चीज़ों के बारे में पता होता था। अब इसमें अलग अलग फील्ड होती थी, किसी को वेद के बारे में पता है, किसी को औषधि ज्ञान के बारे में पता है, तो किसी को किसी के बारे में पता है, किसी को मौसम विभाग के बारे में पता है। तो यह लोग हमारे पुराने समय के साइंटिस्ट थे। अब इनमें भी चार कैटेगरी आती थी, एक महाऋषि, एक राज ऋषि, एक देव ऋषि और एक ब्रह्म ऋषि। महाऋषि जो होते हैं वह ऋषियों के ऋषि होते हैं, उन्हें महाऋषि कहते हैं। राज ऋषि उन्हें कहते हैं जो राजा ज्ञान अर्जित कर ऋषि के पद पर आ जाए, उसे ही राज ऋषि कहते हैं। देव ऋषि उन्हें कहते हैं जो देव ज्ञान अर्जित करके ऋषि के पद पर आ जाए, उसे देव ऋषि कहते थे। ब्रह्म ऋषि उन्हें कहते थे जिन्हें ज्ञान का भंडार हो, जिनके पास असीमित ज्ञान हो और वह एक फील्ड में नहीं, वह अनेक फील्ड में अपना वर्चस्व कायम करते थे, उन्हें ही ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। अब जानते हैं मुनि किसे कहते हैं। देखिए, मुनि जो होते हैं उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वह किसी भी चीज़ को बहुत ही सूक्ष्मता से समझ सकते हैं, उनकी मनन शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, वह किसी भी एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अंदर तक गहन अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें ही मुनि कहा जाता था। यानी जो मनन करता है उन्हें ही मुनि कहा जाता था। और मुनि लोगों के पास इतनी ताकत आ जाती थी मनन शक्ति से ही, कल्पना शक्ति से ही, कि उनका श्राप और उनका वरदान बहुत ही तेजी से लगता था। इसीलिए लोग मुनियों के श्राप से हमेशा बचना चाहते थे। अब जानते हैं सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी जो अपने चीजों को त्याग दे, उसे ही सन्यासी कहते हैं। यानी संसार के शारीरिक सुख को त्यागना ही सन्यासी कहलाता है। लेकिन सन्यासी में एक पद और भी आता है, पहले आप कुछ अर्जन करो, फिर अपने अर्जन चीज को ही त्यागो। जब आप इस पृथ्वी पर आते हैं तो प्रकृति आपको कुछ न कुछ देकर भेजती है। जैसे प्रकृति की सारी सामान आपकी है, हवा, पानी, अग्नि, पेड़ पौधा, यह सब तो आपका ही है। साथ में आपको कुछ सुख सुविधा भी दे सकती है, जैसे कि आप किसी अच्छे घर में पैदा हो गए तो आपको खाने पहनने ओढ़ने की आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो सन्यासी का रियल मतलब यह भी होता है कि इन सुविधाओं को तो छोड़ना ही है, लेकिन साथ में आप किसी चीज़ को अर्जन करें और उस अर्जन चीज़ को ही त्यागे, तभी आप असली त्यागी, असली सन्यासी कहलाएंगे। त्याग का मतलब ही होता है कि जब आप किसी अपने चीज़ को त्यागें, ये नहीं कि आपके पास कुछ है ही नहीं और त्याग के चले जाएं। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं और तब आप अगर उसे त्याग देते हैं तो फिर वह त्याग कहाँ कहलाया। त्याग का मतलब ही यह होता है कि पहले आप चीज़ों को अर्जन करें, यानी कि संसार के सभी सुख सुविधाओं को अपने बल पर अर्जित करिए, अपने बल पर उसे अपनाइए, और फिर आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसे त्याग सके, उसे ही त्यागी कहा जाता है और त्यागी ही सन्यासी कहलाता है। अब जानते हैं साधु किसे कहते हैं। साधु वह होते हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं और बहुत सरल होते हैं, उन्हें ही साधु कहा जाता है। अब जानते हैं संत किसे कहा जाता है। संत वह होते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से ज्ञान को अर्जित करते हैं और उस ज्ञान से लोगों का हित करते हैं, समाज का हित करते हैं, उसे ही संत कहते हैं। यानी सब मिला जुला कर कि जो समाज का हित करता है उसे ही संत कहा जाता है। अब योगी किसे कहते हैं। योगी हर चीज को जोड़ता है। योगी आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है, शरीर को समाज से जोड़ता है, बुद्धि को मन से जोड़ता है और इंसान को इंसान से जोड़ता है। योगी हर एक जोड़ को जोड़ने की प्रक्रिया को ही योगी कहा जाता है। अगर आप अपने शरीर से श्वास को जोड़ते हैं तो यह एक योग होगा। अगर आप अपने मन से अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं तो यह एक योग होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप मौन होते हैं तो वह भी एक योग है।
तो आप अपने आप को स्थिर कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, तो मौन से अपने आप को जोड़ना, और जब आप मौन से अपने आप को जोड़ेंगे तो आपके विचार भी स्पष्ट रूप से आपसे जुड़ जाएंगे, तो जुड़ाव ही योग है। तो दोस्तों, आपको ऋषि मुनि संत सन्यासी साधु योगी इन सभी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको इनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको इनके बारे में कुछ और भी जानना हो तो आप हमें कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस सीरीज पर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन उचित रहा तो हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे, आपका आंसर जरूर देंगे। और आपको हमारा यह सीरीज़ कैसा लग रहा है इसके बारे में आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे पूरे सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप नमस्ते सोच सीरीज़ को जाकर अवश्य देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नमस्ते सोच सीरीज़ के ही साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पैगाम तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।